हेलो एवरीवन, एनआईएमटी में सबका स्वागत है। मैं हूं मास्टर केवी। लास्ट वीडियो में मैंने बैक कैसा कट करना है बताया था, अभी फ्रंट कैसा कट करना है मैं बताने वाला हूं। इससे पहले जो भी नया सब्सक्राइबर्स है उन सब लोगों के धन्यवाद और थैंक्स भी। यदि आप मेरे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये पता चलना चाहिए। क्यों है कि ये फ्रंट करने के बाद आपको नया एडवांस स्टेज के लिए लेके जाता हूँ मैं। ये एनआईएमटी का काम है सादा टेलर से एक प्रोफेशनल मास्टर टेलर बनाना। इसलिए जो भी मेथड्स मैं बताता हूँ वो सब मेथड्स आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करें। क्यों है कि नेक्स्ट एडवांस लेवल पे इजी आप लोग जा सकें। देखते हैं फ्रंट कैसा कट करना है। मैं पहले एक स्क्वायर डायमेंशन लिया हूँ, उसी में मैं बैक ड्रॉ कर चुका हूँ। ये डायमेंशन होता है 22x18। इसमें बैक पहले कट करके रख लीजिए, लास्ट वीक मैं बताया था। अभी फ्रंट कैसा कट करना है मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करेंगे। अभी सेंटर CF, सेंटर फ्रंट। फ्रंट कभी भी बैक से भी 1 इंच डाउन से शुरू करना है सिंगल डॉट में। उसके बाद शोल्डर लाइन लिया हूँ 2 इंच नीचे, नेक पॉइंट लाइन, शोल्डर लाइन एंड नेक लाइन, चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 यानी 3 इंचेस। उसके बाद बैक का चेस्ट लाइन से सीधा लाइन मिला लीजिए। वेस्ट लाइन को भी फ्रंट के तरफ आगे ला लीजिए। चेस्ट लाइन हो गया एंड वेस्ट लाइन भी हो गया। अभी इसको चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 माइनस क्वार्टर इंच करना है नेक पॉइंट के लिए। बैक में हम लोग 3 इंच रखे थे, अभी इसमें क्वार्टर इंच कम करके रख रहे हैं, 2x3/4। शोल्डर लाइन है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्वार्टर इंच। बैक में हम लोग 7.5 रखे थे, फ्रंट में 7x1/4 रखे थे। अभी सेम 2x3/4 फिर रखा हूँ। इन दोनों को मिला के एक बॉक्स क्रिएट किया हूँ नेक के लिए, नेक राउंडिंग के लिए, और नेक पॉइंट से शोल्डर पॉइंट को मैं मिलाऊंगा। यह हो गया शोल्डर पॉइंट। अभी चेस्ट लाइन से 1.5 इंच ऊपर फ्रंट डाउन शोल्डर के लिए लिया हूँ। ये कोई भी मेजरमेंट के लिए ले सकते हैं, ये सेम न होगा। फ्रंट डाउन शोल्डर लाइन, इसमें शोल्डर माइनस 2.5x2 यानी 6.25। इसी पे वही लाइन को टच करके मैं एक लाइन लूंगा, इसको हम बोल सकते हैं शोल्डर कंट्रोल लाइन। इसके बाद चेस्ट लाइन को चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 यानी 9 इंचेस प्लस 3x8। ये हो गया, चेस्ट लाइन भी हम लोग फिक्स कर दिए थे।
यह है अंडर आर्म पॉइंट यूपी, अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे। शोल्डर पॉइंट और नीचे के पॉइंट के लिए हम लोग आधा करेंगे, आधा करके एक क्वार्टर इंच शेप के लिए लेना है, क्वार्टर इंच बस हो जाता है, उसी को शोल्डर पॉइंट तक शेप में लेंगे। एट द सेम अंडर पॉइंट टू डाउन शोल्डर पॉइंट, डाउन शोल्डर पॉइंट तक आर्म होल मिला देंगे। ये हो गया आपका आर्म होल। नेक्स्ट फ्रंट लेंथ के लिए एपेक्स डिवाइडेड बाय टू प्लस 3/4 इंच, यानी 4 एंड हाफ तक हम लोग सेंटर पॉइंट ले सकते हैं। हाइट ऑफ बस पॉइंट, वही पॉइंट से हाइट ऑफ बस पॉइंट 10 इंचेस लिया हूँ, उसके बाद 14 इंचेस लेंथ है, लेंथ के बाद कप डिवाइडेड बाय टू यानी 1 एंड हाफ, यानी पूरा लेंथ में 15 एंड हाफ लिया हूँ इधर। अभी बस्ट लाइन में बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3/4 यानी 10 1/4 मैं लिया हूँ। अंडर आर्म पॉइंट से बस्ट लाइन पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, एक सीधा लाइन लिया था, उसके बाद लेंथ लाइन भी फिक्स करेंगे। यह है लेंथ लाइन। अभी एपेक्स टू एपेक्स बाय टू यानी 7/2 इज इक्वल टू 3.5, उसको एक इंच बढ़ा के नीचे लेंथ लाइन पे 4 एंड हाफ रखा था मैंने, और डॉट पॉइंट को और लेंथ लाइन पॉइंट को दोनों को मिलाया था। और वेस्ट पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है सीधा, उसके बाद वेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 यानी 8 इंचेस को ये पूरे भाग से रिमेनिंग वैल्यू लेना है। रिमेनिंग वैल्यू है 3.5, ये 3.5 को आधा करना है, वन थ्री बाई फोर्थ को मैं आधा आधा में बांट चुका था। अभी ये पॉइंट क्रिएट होता है, एक जंक्शन मिलता है, एक जंक्शन से डॉट पॉइंट को मिलाया था मैं। ये डॉट का लेंथ जितना होता है उतना ही लेंथ इधर भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्यों है कि दोनों डॉट सिलाई करते वक्त मिलना ज़रूरी होता है, इसलिए लिया था ऐसा मैं। अभी लेंथ लाइन से 3/8 इंच तक हम ऊपर ले सकते हैं, उसके बाद इसको एक पॉइंट क्रिएट करिए, इधर भी एक पॉइंट जंक्शन, ये जंक्शन और लेंथ लाइन के पॉइंट्स हो दोनों को ऐसा मिला के एक शेप दे दीजिए। और डॉट लाइन से वो डॉट पॉइंट तक, वो जंक्शन तक और एक लाइन ड्रॉ करिए, मिलाइए, उसके बाद छोटी सी कर्व इसमें से ले लिए कमर अच्छा शेप दिखने के लिए। अभी नेक पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया नेक शेप, पूरा फ्रंट हो गया। इसी प्रकार आप फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करिए। कितने लोग ड्रॉ कर रहे थे
ये ड्रॉ करके कटिंग करके रखिए। मेरा स्केल यूज़ करके किया हूँ, आप इंच टेप से ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद आपको आर्म होल भी चेक कर लीजिए। मेरा ये आर्म होल आया है, हमको 16 इंचेस आर्म होल है, 16 डिवाइडेड बाई 16 एंड हाफ है, 16 एंड हाफ डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 1/4 बैक में भी है, आ गया। ऐसा कटिंग आप भी कर सकते हो, कटिंग करके आपके पास रखिए प्लीज़। क्यों है कि आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डॉट मैनिपुलेशन, सिंगल डॉट मैनिपुलेशन का वीडियो लेके आना चाहता हूँ।